All right. So over to Ddevjani. Okay. So good evening, everyone. And thank you so much that आप लोगों को क्या कहते हैं हम लोग कुछ चीजें को समझा पाए एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि आज हम लोग ये अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर कर रहे हैं. मैं कुछ बेसिक बातें करूंगी, फिर आशीष जी विल गिव द मेन ट्रेनिंग. जो चीज मैं अपने टीम में अपने लेडीज को कपल्स को मैं सिखाती हूँ, दैट इज द बेसिक थिंग विच वी कॉल एटीट्यूड. एटीट्यूड अगर सही रहेगा, अगर आपके ग्रोथ माइंड सेट पे आप रहोगे तो बिजनेस को किस ढंग से हम लोग बिल्ड कर पाएंगे, उसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे. सबसे पहला चीज जो हम लोग जो जनरली पहले शायद नहीं करते थे, दैट इज दैट वी जनरली यूज टू फोकस ऑन स्टार 15% और अबव यू नो स्टार. तो अभी हम लोगों ने उस स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर. हम लोगों ने क्या किया, जितने भी नए लोग आते हैं बिजनेस में उनको लेके वी स्टार्टेड डूइंग द ट्रेनिंग. सबसे पहले आपका टीम अगर ज्यादा यू नो जितने ज्यादा वेपन में स्किल्स होंगे, हमारे पास वेपन में क्या, हमारे पास वेपन में आपका STP है, हमारे पास हेल्थ प्लान है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास क्या कहते हैं प्रोडक्ट के डेमोज हैं और हमारे पास कॉलिंग है. ये 5 चीजों में अगर हम उनको सिखा देंगे तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो उनकी सेल्फी में जाए होगा तो वो बिजनेस को एंजॉय करेंगे. वो बिजनेस को एंजॉय करेंगे तो वो लोगों से बात करेंगे. लोगों से बात करेंगे तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रिजल्ट आएंगी और ये दोनों रिजल्ट को हैंडल करने के लिए उनके पास टूल्स होगा और वो टूल्स जो ऑलरेडी वो सीख रहे हैं. अब हम लोग उसको कैसे करते हैं, पहले तो जनरली हम लोग टीम को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. सुबह का सेशन अभी तक कंप्लीट लॉकडाउन में मेरे सारे टीम में, चाहे वो लेडीज हो एंड जेंट्स हो, ऑल ऑफ देम दे नो हाउ टू शो द प्लान. तो हम लोगों ने डिजिटली एक सेम फॉर्मेट बना के हमने उनको प्लान शो सिखाया और उस प्लान शो में कोई एक्सपर्ट शो नहीं करता है. सारे 3%, 6%, 9%, 12% लीडर्स ही प्लान को शो करते हैं. एवरी डे 12 o'clock सेशन इज ओनली बुक फॉर STP. STP हमने मार्च अप्रैल मई तक खत्म कर दिया था. उसके बाद हम लोगों ने अप्रैल मई और जून जुलाई अगस्त अभी हम लोग पूरा हेल्थ प्लान सेशन चला रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ प्लान सेशन क्या हेल्प कर रहा है, उनकी जितनी भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपके न्यूट्रलाइट हो, चाहे आपके क्या कहते हैं हमारा एटमोस्फियर मिनी हो, वो सब जब वो एक प्रॉपर प्लान के तहत जब हम उनको सिखाते हैं तो उनकी सेलिंग स्किल्स और उनकी एक स्पीकिंग स्किल्स उनकी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट बूस्टअप होता है. स्पेशली मैंने देखा है कि जेंट्स को तो फिर भी बोलने का मौका मिल जाता है, कहीं ना कहीं लेडीज एक छोटा सा कॉर्नर पकड़ के बैठ जाती है कि अच्छा वो तो कर ही रहे हैं, मैं तो डेमो दिखा रही हूँ. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नोबडी गेट चांस, एवरी हम लोग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन उनको थोड़ा पुश करना पड़ता है. बेसिकली क्या होता है ना, ज्यादातर लोग बुक्स नहीं पढ़ना चाहते थे या फिर सीरीज नहीं सुनना चाहते, तो हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया स्मार्ट टच. एवरी डे वो लोग सुनते हैं तो हम लोग 12 बजे का सेशन में प्लान एंड 3 बजे का सेशन में प्रोडक्ट एंड सिस्टम की ट्रेनिंग एवरी डे. एंड वी गिव द टॉपिक्स नॉट टू द लीडर्स बल्कि द न्यू कमर्स, जितने भी 3%, 6%, 9% इवन BFI या BVI क्वालिफायर जितने, सबको हम लोगों ने सिखाया दैट आपको एक सीडी जो सुना है वो आपको शेयर करनी पड़ेगी, एक बुक जो आज आपने वीक खत्म किया वो बुक आपको शेयर करनी पड़ेगी, आपको सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा, आपको मेंटर्स क्लब के बारे में बताना पड़ेगा. ये जब हम लोग टॉपिक देना शुरू किए ना, देन दे स्टार्टेड डूइंग इट रेगुलरली, क्योंकि आप जब उस काम को करेंगे ही नहीं, आप कितना भी बनावटी कर लो आप उसको बोल ही नहीं पाएंगे. So that's how the work ethics become more and more clear. तो 12 बजे और 3 बजे का सेशन हमने ऐसा कर लिया और हम लोग थर्सडे को हम लोग अपना ओपन मीटिंग करते हैं हमारे टीम का, जिसमें से कि हम लोग अपने टीम में हमारे लीडर्स की जो एक पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स को हम लोग बढ़ा रहे. सी वी वॉन्ट टू बी अ लीडर, जहाँ पे वी वॉन्ट कि हमारे से भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स और लीडर हमारे सामने आए. वी जस्ट डोंट वॉन्ट कि आशीष एंड देवजानी के बारे में लोग बात करें. वी वॉन्ट कि हमारे टीम में सब बोले वो देखो वो लीडर जा रहे हैं जो इन लोगों के टीम से बिलोंग करता है. ये हम दोनों का विजन है कि अगले यू नो 10 ईयर्स में डायमंड तो मान लीजिए एक पड़ाव है, दैट इज नॉट अ गोल, दैट इज वन ऑफ द पड़ाव. हमारा ये क्या कहते हैं विजन है दोनों का कि नेक्स्ट 10 ईयर्स एटलीस्ट 1 से 10 लाख यू नो हम लोग लेडीज एंड जेंट्स को एंड कपल्स को हम लोग स्किलफुल कर सके, सो दैट दे कैन बी इक्वली पावरफुल टू टॉक एंड टू शो एंड यू नो टू प्ले द वे आर डूइंग. और इसके लिए थोड़ी मेहनत हम लोग की भी करनी पड़ेगी, बिकॉज वेन लीडर्स वर्क
देन ओनली द डुप्लीकेशन happens. तो ये 12 एंड 3 बजे का सेशन की जिम्मेदारी जनरली मैं लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कंडक्ट करना. इसी मैंने करते करते बहुत सारी चीज मैं भी सीखती हूँ. एंड कहीं ना कहीं आप जब टीम को लीड कर रहे होते हो तो आपको बिना नॉलेज का आप लीड कर ही नहीं पाओगे. तो कहीं ना कहीं विद प्रेशर को लिए या मैं खुद जानबूझ कर प्रेशर को ले रही हूँ. आई रीड लॉट ऑफ बुक्स. मुझे अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना. क्या कहते हैं जितनी भी ब्रिट के बुक्स है वो तो आपको पढ़नी ही चाहिए. उसके अलावा एक दो बुक्स में अलग से पाया. मैं वेरी 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 बिग फैन ऑफ जॉन सी मैक्सवेल. तो जॉन सी मैक्सवेल की एक बात मैं आपको बताऊंगी. उनकी मैं एक बुक क्या कहते हैं उनकी स्टोरी में सुन रही थी यूट्यूब में ऑडियो बुक्स में. तो उनको बचपन से ही बहुत बड़ा ख्वाब था दैट ही वॉन्ट्स टू बी अ स्पीकर. उनको बहुत बड़ा लीडर करना था. उनको बहुत ज्यादा डिग्री की उनको नहीं था. और उनके घर में उनके फादर मदर मैंने बहुत उनको मारते थे कि नो यू हैव टू गेट अ डिग्री. तुमको हार्वर्ड जाना है. बहुत प्रेशर था. और लेकिन वो नहीं जाते थे. उनके उनके फादर और मदर जो भी उनको पॉकेट मनी देते थे वो उसको सेव करते थे. कोई भी लोकली छोटी सी भी फंक्शन जहाँ पे कोई भी लीडर एज ए स्पीकर होते थे ही यूज्ड टू गो एंड वॉच. वो देखते थे और नोट्स बनाते थे. देखते थे और नोट्स बनाते थे. यही चीज को वो लगातार 365 डेज इनटू सर्टेन एज तक वो करते गए 6 इयर्स टू 20 इयर्स तक. एंड वो जब 20 साल के थे तो सबसे पहला असाइनमेंट उनको माइक्रोसॉफ्ट से मिला जो बिल गेट्स ने उनको दिया दैट यू हैव टू ट्रेन माई एम्प्लॉई हाउ टू गो इनटू द 5 लेवल ऑफ लीडरशिप. और उसी दिन वो किताब और वो बुक इतनी फेमस हुई जहां पे बताया गया कि पोजिशनल लीडरशिप क्या है, आपके टीम लीडरशिप क्या है, आपके ग्रोथ लीडरशिप क्या है. और आप जब उसको पढ़ेंगे ना आपको पता चलोगे मैंने पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड. इफ यू आर इनटू ग्रोथ माइंड के अगर आप लीडर हो तो आपकी टीम में बहुत ज्यादा अच्छे स्पीकर्स होंगे. दे विल बी मैंने वो इतने अच्छे अच्छे बात करेंगे, इतना अच्छा काम करेगा कि आप थोड़ा बहुत निश्चिंत हो सकते हो. अच्छा चलो वो कपल है तो मुझे कोई टेंशन नहीं. तो अगर आप वो चीज कर लेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 5 इयर्स जो भी आपके टारगेट अचीवमेंट है तो आपकी टीम बहुत फास्ट ग्रो करेगी जो हम लोग कर रहे हैं. आई ऑलवेज बिलीव इन कि लेडीज या जेंट्स किसी को भी आप प्लेटफॉर्म दीजिए सबके अंदर में भूख होती है दैट इज आई वॉन्ट टू स्पीक द बेस्ट. और वो बेस्ट बोलने की वजह से उनको पढ़ाई उनको यू नो सिस्टम को फॉलो उनको प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मतलब नॉलेज उनको प्रोडक्ट का रिटेलिंग करना कैसे लोगों का सोल्यूशन को पकड़ के प्रोडक्ट को प्लेस करना होता है कैसे सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाना. ये नहीं कि भाई मेरा पीवी 100 है तो मैं कुछ भी प्रोडक्ट का एक तालमेल करके कर दूं. वी डोंट डू सच थिंग्स. वी आर वेरी मच स्ट्रिक्ट क्या इफ यू आर गिविंग आर्टिस्ट्री देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रल लाइट. क्योंकि अगर आपके मुंह में पिंपल्स है दाने तो दैट इज फ्रॉम योर प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर क्या कहते हैं अंदर से स्टमक प्रॉब्लम. तो उसको सोल्यूशन करते हुए वी स्टार्ट विद द बेसिक. एंड ट्रस्ट मी हमारे कस्टमर में रेटिंग अगर मैं 10 में से दूं तो 10 में से 8 ऐसे कस्टमर्स है दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. दे आर नॉट कंप्लेंड येट कि अरे आपने तो प्रोडक्ट ऐसे किया था. आई एम टॉकिंग अबाउट द टीम. सो जब होल टीम जब किसी यू नो ग्रोथ पाथ पे चलता है तो आपको काम करने का बहुत मजा आता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक एटीट्यूड मेंटालिटी की बात करूंगी दैट हाउ डू यू पास अ ग्रोथ माइंडसेट ऑन. ग्रोथ माइंडसेट को आपको ऑन करने के लिए यू नीड टू बी अ वेरी गुड टीचर. और एक अच्छे टीचर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक बच्चे को हमेशा एक ही बच्चे को बार बार एक ही क्वेश्चन दो और उसी से बार बार हैंड रेस कराओ. अच्छा ठीक है तुम ही बोलो. बिकॉज यू नो दैट ही इज द बेस्ट दैट बेस्ट स्टूडेंट इज गोइंग टू टॉक. नो इफ यू रियली वॉन्ट टू बी अ बेस्ट टीचर आपको पता है जो कमजोर बच्चा है. कमजोर बच्चा है मतलब हमारे टीम में कमजोर बच्चा हम लोग किसको बोलेंगे कि जो एक ही पिन में बहुत दिनों तक अटका पड़ा है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी और मेरी दोनों के वर्क एथिक्स में कमी है. आई टेक द चार्ज ऑन मी और मैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करके बार बार लगातार मैं उन्हीं के इर्द गिर्द काम करती हूँ. उनके साथ उनके टीम में उनके वेट में उनके डेप्थ में और उनको सिखाते जाती हूँ. एंड जैसे ही उनको लगता है कि आई एम गिविंग दैट अटेंशन उनके अंदर में वो पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि अच्छा अभी मेरे टीचर जब वो बेस्ट पे ध्यान नहीं देके वो मेरे पे ध्यान दे रहे. दैट मीन्स मैं भी बेस्ट हो सकती हूँ. ये जैसे ही उनके माइंड में आएगा उनकी जैसे ही ये चीज दिमाग में आएगा उनकी एक ह्यूज चेंजेस होता है पर्सनालिटी में. वो तुरंत अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए ही और शी स्टार्टेड डूइंग लॉट्स ऑफ बुक्स. वो तुरंत वो सिस्टम को फॉलो करने लगता है. तो सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में सारे स्टूडेंट परफॉर्मर हो सारे हमारे एबीओस परफॉर्मर हो तो हमें और आपको एज अ टीम एज अ होम टीम आपको मिलके एक ही काम करना होगा. यू हैव टू मेक
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैंने एवरी वन, ये नहीं कि जो हर महीना 15% या 12% अचीव कर रहे हैं आप उन्हीं के ऊपर फोकस करो. यू नो कि आपके पास और दो है जो हर महीना 100 PV भी तो करता है लेकिन फिर वो थक के बैठ जाता है. अगर वो थक के बैठा मतलब उसके में कुछ ना कुछ कमी उसमें नहीं है. वी आर नॉट एबल टू गिव दैट फोकस ऑन मी ऑन देम. दैट मीन्स अगर वो 100 PV करने के लिए आया है 10,000 भी इस कोविड में अगर वो यू नो स्पेंड कर रहा है तो उसको मन जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अलाइनमेंट नहीं है. तो तुरंत उसको पकड़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पुट देम इनटू स्मार्ट टच. हम लोग एक कंपलसरी कर ही दिए कि जब तक आप सीडी नहीं सुनेंगे ग्रोथ माइंडसेट में नहीं आएंगे आप बिजनेस को करेंगे बाद में पहले माइंडसेट को ठीक कीजिए. क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है आपको एक एंटरप्रेन्योर पैदा करने का. एंड जिस दिन उसके अंदर में वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आ जाएगा ट्रस्ट मी आपकी मेहनत 50% हो जाएगी. सेकेंड में एक चीज बताऊंगी, एक फ्रेमवर्क आप उनके साथ स्टडी कीजिए और वो फ्रेमवर्क है आर यू अ फिक्स माइंडसेट कोच. क्या आप एक फिक्स माइंडसेट के कोच हो? फिक्स माइंडसेट का मतलब कि अच्छा ये जो है ये तो भाई करेगा ही नहीं, ये तो आज फोन ऑफ ही कर देगा, छोड़ो यार इसको फोन ही नहीं करते. हम लोग कुछ कुछ एबीओस के साथ या कुछ कुछ न्यू पीपल के साथ वी ऑल्सो हैव दैट फिक्स माइंडसेट कि नहीं छोड़ो अब इसको कॉल ही नहीं करना, चार बार कॉल करते नहीं उठाता है. बट दैट इज द चैलेंज वी हैव टू टेक ऑन अस. और हमें उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पे लगातार बार बार एज अ कोच हमें काम करना होगा क्योंकि ये ट्रेनिंग ट्रेनर्स का हो रहा है. वी आर गोइंग टू ट्रेन द ट्रेनर्स. सो अगर हमको ट्रेनर को अच्छा से ट्रेन करना है तो हमें इन चीजों हमें अपने पैरामीटर्स पर ज्यादा काम करनी होगी. हम लोग क्या करते हैं जैसे हमारा क्या कहते हैं एक है कि एवरी मंथ के थर्ड को वी हैव टू डू 100 PV और 300 PV क्लब. तो किसी और को बोलने से पहले वी बोथ रेडी विथ आवर 300 पॉइंट्स जेन्युइनली, नॉट कि हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड या स्वाइप कर लू. आई डोंट डू दैट. या तो क्वीन एक निकाल दिए या तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स या तो इम्यूनिटी सिस्टम का कुछ. अभी ऐसे कोविड के टाइम पे पैंडेमिक की वजह से तो आई ऑलवेज गेट रेडी जस्ट 2 days बिफोर थर्ड. और इस बार तो मैंने 1st August को ही अपना कर लिया था क्योंकि मेरे पास क्वीन के पैसे आ गए थे. द मोमेंट वी डिड इट दे अंडरस्टूड माई गॉड हमारे मेंटोर ने कर दिया वी हैव टू डू इट. देन वो पेन वो स्ट्रेस वो टेंशन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे वो लीडर्स लेते हैं जो रेगुलर आपके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हम लोगों ने ये डाल दिया है दैट यू आर द लीडर वी आर नॉट द लीडर. ये बिजनेस आपका है वी आर जस्ट देयर टू गाइड यू. जैसे सचिन तेंदुलकर को उनके कोच ने गाइड किया था वी विल गाइड यू, यू हैव टू प्ले इन द फील्ड. जैसे ये दिमाग में उनका जाता है ट्रस्ट मी दे वर्क विदाउट एनी टेंशन. हाँ बीच बीच में एक दो गलती करते हैं तो वो सिखाना हमारा काम है. अभी भी हम लोग बहुत सारी गलती करते हैं तो हमारे मेंटर हमें बता देते हैं. बट एक्सपर्ट क्या, जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जाते हो तो आपकी वो गलती धीरे धीरे कम होने लगती है. और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट और एक चीज बताना चाहूंगी, दिमाग में एक चीज एबीओ के जरूर डाल दीजिए कि आपको डायरेक्ट सेलर बनना है. अभी आप डायरेक्ट सेलर नहीं बनो, यू आर जस्ट एन एबीओ. डायरेक्ट सेलर कब बनोगे? जब आप प्लैटिनम जाओगे. प्लैटिनम जाओगे तो आपके पास डायरेक्ट मेल आएगा, प्लैटिनम जाओगे तो डायरेक्टली आपको कंपनी से कॉल आएगा. सो एवरीबॉडी वांट्स टू गो प्लैटिनम. तो वो डायरेक्ट सेलर यू नो बनने के लिए जाके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको कंपनी का बनना है जहाँ पे एमवे आपको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करेगी आपके पास डियर सो एंड सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर अ डायरेक्ट सेलर, वो मेल अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू वर्क फॉर इट. अभी तो यू आर टॉकिंग टू मी बट जस्ट इमेजिन करो जिस दिन आप प्लैटिनम हो जाओगे हम आपके एलओएस को देख नहीं पाएंगे. एवरी सारे जितने मेंटर्स है सबके यही विजन होता है कि भगवान करे मेरे 6 के 6 लेग जो है उसके में एलओएस देखना मेरे लिए बंद हो जाए क्योंकि वो डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे. तो यही चीज आपको अपने टीम में भी कन्वर्ट करनी होगी. देन दे विल अंडरस्टैंड द यू नो दैट नीड ऑफ दैट कि ओ माय गॉड आई हैव टू बी दैट. सो इसी ढंग से हम लोग रोज उनके माइंडसेट पे मैं हमेशा दिमाग में डाल आई ऑलवेज यू नो डू द ब्रशिंग नॉट ऑन द टीथ इन द ब्रेन क्योंकि ब्रेन की ब्रशिंग ज्यादा जरूरी है. ये सब तो बचपन से आदत है, बचपन से एक ही चीज लाइक यू नो बताया नहीं गया दैट योर ब्रेन नीड्स मोर नॉलेज देन योर बॉडी. हम लोग शरीर को तो इतना कुछ खिलाते व्हाट वी गिव इट टू आवर ब्रेन. तो द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ बुक्स लॉट ऑफ सीरीज उनको बोलो भाई तुझे कुछ नहीं करना तुम बस पढ़ के आओ भाई और मुझे सुना दो. जैसे आप इसको बताएंगे और एक टॉपिक दे देंगे ना एंड ट्रस्ट मी यू स्टार्ट गिविंग टॉपिक टू द न्यू कवर दे विल क्योंकि डे वन से आप बच्चे को सीरियस कर दो. हम लोग क्या गलती करते हैं ना बच्चे को बहुत संभाल के रखते हैं अरे कहीं वो गिर ना जाए कहीं वो छोड़ ना दे. डोंट डू इट. गिव हिम यू आर अ एंटरप्रेन्योर. आप एक ऐसे प्रोग्राम में आओ जहां पे आपको डे वन में यू आर द लीडर आई एम जस्ट अ कोच. आप
फ्रंट में हो, हम लोग बैक एंड में. आपको पढ़ाई करनी है, आपको सीखना है, आपको जानना है. गलती होगी हम लोग पीछे से पकड़ लेंगे. देवजानी इज नोवेयर, आशीष इज नोवेयर, यू बोथ आर द लीडर. आप लोग सामने रहो, हम लोग दोनों पीछे. वी डू दिस वे एंड ट्रस्ट मी, लेडीज बोलिए, जेंट्स बोलिए, कपल बोलिए, एवरीबडी टेक इट वेरी सीरियसली एंड बहुत दिल से वो लोग इस काम को करते हैं. और उसके साथ कैसे हम लोग 90 डेज में भी उसको बिल्ड करते हैं, उसके बारे में आशीष जी आप सबसे बताएंगे. थैंक यू सो मच. So that's the fire of Ddevjani, friends. And वो दिल से करती भी है और दिल से बोलती भी है. ठीक है, और जब ये बोलती है तो मैं सुनता रह जाता हूँ. मतलब session could have been over, but चूंकि एक कोरम पूरा करना है इसीलिए. Otherwise, तो I am a fan of Ddevjani and she is my better half for by every standard, I'm telling you. I am learning from you only. मैं आप सीखी की जिम्मेदारी, आप ही से सीख रहे हैं. So ये जो energy, friends, आप देख रहे हैं, ये एक दिन की energy नहीं है. So we have been together for so many years. Ddevjani has been the support system, जो आप लोग मुझे stage पर देखते थे. Actually, it was Ddevjani's dreams that used to fuel me. And now she is, you know, in front of everyone. So friends, मैं थोड़ा सा इंजीनियर हूँ ना, तो मैं पीपीटी के साथ बात करूंगा, टेक्निकल ज्यादा बात करूंगा. ओके, सो लेट मी गेट दिस पीपीटी फॉर यू. बेसिकली क्या है, Ddevjani जैसे आपको बताया कि सारा खेल जो है ना नए लोगों का है. इट्स ऑल अबाउट द न्यू पीपल. ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत करके नए लोगों को लाते हैं, और जितनी ज्यादा मेहनत करके नए लोगों को लाते हैं ना, उतना ही आसानी से उनको खो भी देते हैं. ओके, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट 90 डेज आर द मोस्ट क्रिटिकल. ओके, नए लोगों को लाने के लिए आप फोर बेसिक्स यूज कर सकते हैं, द प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जो भी आपके अप्लाई मेंटर्स, जो भी सिस्टम पूरी, या कुछ मिक्सचर खिचड़ी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आज के डेट में सिस्टम्स हैं. बट लाने के बाद जो है, बिकॉज ऐसा नहीं कि हम लोग रिक्रूट नहीं करते लोग, रिक्रूट बहुत सारे लोग करते हैं, बट मेनी अ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली गेट देम इन द रियल प्रोग्राम. देर ऑलमोस्ट कंफ्यूज कि मैं, मतलब यहाँ प्रोडक्ट खरीदने आया हूँ, मीटिंग अटेंड करने आया हूँ, सीडी सुनने आया हूँ, क्या करने आया एक्चुअली, एग्जैक्टली मुझे करना क्या है. बहुत सारे लोग ना, एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर एक्चुअली सब कुछ डिफाइंड है, लेकिन फिर भी लोग अपना दिमाग जरूर लगाते हैं. उसका रीजन है कि वही फर्स्ट 90 डेज, वो जो फर्स्ट 90 डेज है, अगर इसको मैं ठीक से कैप्चर कर लिया तो सब कुछ संभव है. ओके, फर्स्ट 90 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कहते भी हैं, वेल बिगन इज हाफ डन, राइट. पहले 90 दिन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. आपका बिजनेस समझो एक रॉकेट के जैसा है, उसको एक्सट्रीम केयर चाहिए होती है. सबसे ज्यादा कॉशन और केयर रॉकेट को लॉन्च स्टेज में चाहिए होता है. एक बच्चे को पैदा होने टाइम पर ही सबसे ज्यादा केयर एंड कॉशन चाहिए होता है, इन्फेंट स्टेज पे चाहिए होता है. उसी तरह से नया एबीओ जो आता है ना, उसको एक्सट्रीम केयर और कॉशन लॉन्च स्टेज पर ही चाहिए होता है, जो टिपिकली पहले 90 दिन होते हैं जिस वक्त वो एमवे बिजनेस में आता है. और इस चीज को एमवे ने रिकॉग्नाइज किया, इसलिए नया एडीआर मॉडल लाया है, जहां पर कम से कम एक हफ्ता आप स्पेंड करते हो एटलीस्ट एजुकेटिंग एंड कोचिंग दैट आईबीओ बिफोर दैट पर्सन बिकम्स केपेबल, यू नो, ऑफ स्पॉन्सरिंग एनीबडी न्यू. Okay? आप ये भी पैरामीटर्स चेक करते हो उनके, उनको इनफैक्ट उनका स्किल पैरामीटर्स चेक होता है. केपीएमजी के साथ में प्रोग्राम डेवलप किया गया, जिन लोगों ने इसको अटेंड किया उनको पता होगा दैट सर्टिफिकेशंस होते हैं एंड यू गेट टू नो द रियल न्यूएंसेस ऑफ द बिजनेस. कोई भी आदमी जस्ट लाइक दैट इस बिजनेस को नहीं बिल्ड कर सकता है. एमवे इज इंश्योरिंग दैट आपके पास वो सफिशियंट नॉलेज हो, बट उससे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी है. बिजनेस ओनर्स तो हम है, एमवे इज आवर पार्टनर, वी आर द रियल बिजनेस ओनर्स. वो एसेट तो हमारी है ना, लेके तो हम आए, पैदा तो हमने किया है उसको, तो उसको सही दिशा में लेके जाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है. Most IBOs fail to get launched properly and this is where the foundation of the business becomes weak. यहीं पर foundation कमजोर रहती है. आप सोचो कि आप ऐसी building में रह रहे हो जहां के foundation ही कमजोर है and the result is unstable and fragile business. ठीक है ना, brittle होता है. जहां थोड़ा सा pressure दिया, जैसे ही बोला कि चलो अब हम एक अच्छा goal लेके चलते हैं, अचानक से आपको दिखता है कि एक backfiring हो जाती है. Okay? Which probably do not survive more than, you know, a few months and, you know, seasons. And this is the first 90 days is most critical, most crucial by any standards. पहले 90 दिन में क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले रोल क्लैरिटी, कि भैया आपका रोल है क्या, किरदार क्या निभाने आए, आप करने क्या आए हो यहाँ पर. ठीक है, आप हीरो हो, आप विलेन हो, आप हीरो के भाई हो, हीरो के भाई भतीजे हो क्या उसमें, आप हीरोइन हो, क्या है रोल आपका, आप हीरोइन की माँ हो, व्हाट इज योर रोल इस पिक्चर में, आपका रोल क्या है पता होना चाहिए. ठीक है ना, प्रोडक्ट बेचना है, खरीदना है, पीवी करना है, अपलाइन की बात सुननी है, अपलाइन के क्या कहते हैं घर जाना है, या फिर लोगों को घर बुलाना है, पता तो होना चाहिए करना क्या है. रोल क्लैरिटी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड, अच्छी सही शुरुआत होनी चाहिए, DCTS होना चाहिए. ओके, DCTS क्या होता है, ये हम लोग बेसिकली अपने सिस्टम में फॉलो करते हैं इसको. ये हमारे मेगा मेंटर ने बताया है, तो मैं आपको जो भी बताऊंगा आप अपने अपलाइन से चेक कर लीजिएगा, यू नो, whether it is relevant in your system or not. मेंटोर्स क्लब गेम प्लान, अगेन मेंटोर्स क्लब भी एक हमारा एक रूटीन होता है, इस पर हम गेम प्लान बताते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन चीजों को थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करूं. ओके, और उसके अलावा जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, बेसिकली कस्टमर क्या कैसे बनता है, बेसिकली आपको समझना जरूरी है कि कस्टमर बनता कैसे, क्या चीज है उसको, उसको मतलब चाहिए क्या, व्हाट इज द नीड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड.
ओके, द फर्स्ट थिंग इज रोल क्लैरिटी. इस स्लाइड को आपने पहले भी देखा है राइट. इस स्लाइड को हम थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करेंगे यहां पर. बेसिकली क्या है, इसको हम ऐसे समझाते हैं. कितने लोगों ने लगान पिक्चर देखी है? देखिए ओके, लगान पिक्चर में आमिर खान को क्रिकेट से कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है. वो क्रिकेट क्यों खेलने जाता है? क्योंकि उसके सपने हैं कि लगान माफी होनी चाहिए, उसकी डायर नीड है. उसी प्रकार से हम में से किसी को एमवे से कोई मतलब है नहीं. हम में से कोई पैदा नहीं हुआ एमवे करने के. हम सबके सपने हैं, इसीलिए हम लोग एमवे करने को तैयार होते हैं. तो एमवे इज इक्विवेलेंट टू द क्रिकेट मैच दैट वी हैव टू प्ले, और दिस बिजनेस इज इक्विवेलेंट टू द क्रिकेट मैच दैट वी हैव टू प्ले, क्योंकि हमें लगान माफी करनी. किसी को भी इंडिगो एयरलाइन से प्यार नहीं है, लेकिन अगर हमको फ्लाइट लेकर के कहीं जाना है तो इंडिगो एयरलाइन हमको इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी. ओके, किसी को भी ब्रश करने से प्यार नहीं, लेकिन दांतों को साफ रखना है तो ब्रश करना जरूरी हो जाता है. तो आमिर खान के लिए क्रिकेट की जितनी वैल्यू थी, उतनी वैल्यू हमारे लिए एमवे की होनी चाहिए. ओके, तो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बट क्रिकेट खेलना हमारे सपनों के लिए जरूरी है तो हम करें. ओके, पहली चीज. दूसरी चीज आप याद करो कि आमिर खान को क्रिकेट खेलने का जब वो डिसीजन लेता है, उस वक्त उसको क्रिकेट के बारे में ABCD भी नहीं पता होता है. वो क्रिकेट को गिल्ली डंडा समझ रहा था. उसको कहते गिल्ली ये डंडा है. तो वैसे कई लोग एमवे बिजनेस को भी समझते हैं जैसा उन्होंने देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों ने फेरी वाले को बिजनेस करते देखा है तो कहेंगे अच्छा घर घर जाके बेचना होगा. कुछ लोगों ने देखा है किसी को सेल्स LIC का काम करते हुए देखा है तो अच्छा लगता है, लोगों को पॉलिसी टाइप कुछ करना पड़ेगा. कुछ लोगों ने देखा है दुकानदारी का काम, तो लोग होता है कि मैं दुकान में बैठूंगा, लोग मुझसे लेने के लिए आएंगे. तो लोग अपने अपने हिसाब से चेक करते हैं. तो एमवे को लोग ऐसे ही समझते हैं. ओके, कि गिल्ली डंडा टाइप का, जैसे आमिर खान समझ रहा होता है शुरू में. बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है कि आप एमवे को अपने तरीके से समझ रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स टोटली ओके. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट डू यू हैव अ विजन और नॉट, एंड डू यू हैव द गट्स टू फॉलो योर विजन और नॉट. आमिर खान के पास वो गट्स था. सबसे पहले उसने कोशिश किया अपने घर वालों, जैसे ही उसने इस विजन को लिया कि भैया हम ये काम करेंगे, जैसे उसने लीडरशिप दिखाई, इनिशिएटिव लिया, उसको भयंकर रेजिस्टेंस मिला लोगों से. लोगों ने कहा तुम पागल हो गए. किन से रेजिस्टेंस मिला? जो लोग उसको अच्छे से जानते थे उनसे रेजिस्टेंस मिला. उसी प्रकार से आपके घर वालों से या आपके दोस्तों से आपको अच्छे से रेजिस्टेंस मिलेगा. जिस दिन मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, मेरे दोस्तों ने कहा तुम पागल हो चुके, ओके, यू हैव गॉन मैड, तुम दोबारा वही गलती करने जा रहे हो जो तुमने पहले कभी किया था. एक जमाने में कभी हम नेटवर्क मार्केटिंग को हमने कभी ट्राई किया था और मिजरेबली फेल हो गए थे. दोबारा मेरे दोस्तों ने कहा तुम वही पागल हो गए, ठीक है ना, हमने डिसीजन लिया करने का. तो ये चीज वही आमिर खान के साथ भी वहां पर होता है कि बड़ी बड़ी बातें, लोग बोलते हैं कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो. आमिर खान सबसे पहले किसको कोशिश करता है समझाने का? अपनी माँ को. सबसे पहले हम किसको समझाने जाते हैं? अपने घर वालों को. उसकी गर्लफ्रेंड को तो विश्वास होता ही नहीं उसके ऊपर में, बट गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में रहेगी. शुरू शुरू में देवजानी को भी कुछ कम भरोसा था हमारे ऊपर में, बट गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है साथ में रहती है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आपको पसंद करती है, वो तो आपको चाहती है, आप सुख और दुख में आकर रहेंगी. दैट इज द रोल ऑफ योर लाइफ पार्टनर. ओके, शी हैज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल रोल टू प्ले, गौरी. आमिर खान क्या करता है, भुवन क्या करता है? अब भुवन अपनी माँ को समझाने जाता है. अब भुवन जब माँ को समझाता है, माँ कहती है बेटा हमको तो समझ में आने की बात, ठीक है ना. तो वैसे ही हो सकता है आपके घर में लोगों को बात समझ, लेकिन भुवन तब क्या था? भगवान पे फेथ करो, वो पालन हरे निर्गुण और न्यारे, ठीक है, उनके ऊपर फेथ करो. तो सबसे पहले फेथ कीजिए कि अगर आप इस डिजिटल सेमिनार में आए हैं तो कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं. ओके, ये एक महज इत्तेफाक नहीं, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है. आप समझ लीजिए, ऊपर वाले की मर्जी हुई तो एक वायरस ने पूरे दुनिया को झुका दिया. ये ऊपर वाले की मर्जी है दोस्तों. उसी तरह से उनकी मर्जी है तो आप और हम जिंदा हैं, उनकी मर्जी है तो आप और हम आज इस प्लान को बैठ करके समझ पा रहे हैं. उनकी मर्जी है तो पहले उन पर भरोसा कीजिए. दूसरा, जब आमिर खान, बेसिकली आमिर खान को ना बैट का पता है ना बॉल का पता है, बट आमिर खान अपने से खुद से प्रयास करता है, इनिशिएटिव लेता है, कि ट्राइज टू डेवलप अ बैट विथ फॉर्मेट, डेवलप करने की कोशिश करता है. लेकिन उसके बाद में एक्सपर्ट्स आते हैं. वैसे ही हम में से कई लोग हैं जो शुरुआत में एक फॉर्मेट खुद से करने के लिए कुछ लोगों को बोलने की कोशिश करते हैं. ओके, और जब आप लोगों को बोलने जाओगे तो आपको सबसे पहले जो लोग आपकी टीम में आएंगे वो कौन से लोग आएंगे? वो आएंगे छोटू टाइप के लोग, जो सबसे ईजी होते हैं लाने वाले, छोटू टाइप के लोग, जिनको लाना बड़ा आसान है, जिनको पढ़ाना बहुत आसान है. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, नौकरी में अपने जूनियर को स्पॉन्सर कर देते हैं, या अपने घर में कोई काम वाली होती है उसको स्पॉन्सर कर देते हैं. जो सबसे ईजी हमको लोग मिलते हैं वो छोटू टाइप के लोग होते हैं, कि भैया आया तो कम से कम नंबर तो बढ़ा. मैंने सबसे पहले दो लोगों को स्पॉन्सर किया था, एक देवजानी को, एक मेरे पापा को. मैंने नंबर बना लिया था कि चलो भाई प्रियमा जी मेरे जो मेंटर है खुश हो जाएंगे, चलो भाई दो लोगों को स्पॉन्सर कर लिया. इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने समझा कोटा पूरा करो. तो उसने कम से कम ये कर लिया. और छोटू को उसने क्या समझाया? कुछ नहीं है, गिल्ली डंडा ऐसा है, तू 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 गेंद फेंक और मैं बल्ला लेके यूज करूंगा. तो ही हैड लॉट ऑफ व्हाट आई वुड से एंथुसियाज्म. ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द एंटायर थिंग. पूरे गांव वाले उसको वॉच कर रहे हैं, बट ही वाज एक्साइटेड. द बेस्ट थिंग वाज दैट ही वाज हैविंग सेल्फ कंट्रोल. वो अपने अंदर में सेल्फ कंट्रोल मेंटेन किया और गांव वालों को बोल रहा है देख भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ही हैज जीरो आइडिया ऑफ क्रिकेट, ही हैज जीरो आइडिया ऑफ हाउ इट वर्क्स. ओके, बट ही
knows how to build a team. उसको टीम बिल्ड करने आता है. आप समझिए, आपको एमवे के एक प्रोडक्ट का नाम ना पता हो, ना आपको दाम पता हो, आपने एक सीडी ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, ना आपने किताब पढ़ा हो, लेकिन टीम बिल्ड करने की अगर आपके अंदर मंशा हो और आपके अंदर एक सॉलिड रीजन हो, लगान माफी टाइप का एक सॉलिड रीजन हो, तो टीम बिल्ड हो जाएगी. कैसे बिल्ड हो जाएगी? देखिए, पहले उसने छोटू को लिया, लोग उसको वॉच कर रहे हैं, डे वन में कोई नहीं आया, लेकिन बाद में लोग आना शुरू हुए. अब कैसे उसने लोगों को पकड़ा, प्लान कैसे दिखाया? हर आदमी को प्लान अलग तरीके से दिखाया उसने. आप देखिए, हर आदमी को एक ही प्लान नहीं दिखाया उसने, अलग तरीके से दिखाया. मुर्गी पकड़ने वाले को दिखाया कि तू मुर्गी अच्छे से पकड़ता है, इसका मतलब तू अच्छे से फील्डिंग कर पाएगा. सी, किसी की रिटेलिंग बढ़िया देख करके आपने उसको बताया, देखते रिटेलिंग कितनी अच्छी है. ओके, जो आदमी जिसके हाथ मजबूत है, बागा उसको बोला तेरे हाथ मजबूत है तो तू बैटिंग अच्छी कर सकता है. ओके, गूंगे को भी साथ में ले लिया क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी कर सकता है. सी, sometimes people might come in your organization, जिस आदमी को स्किल कुछ नाम पे कुछ नहीं उसके पास में, but they are also very valuable, I'm telling. तो भुवन knew how to build a team. और जब भुवन टीम बिल्ड करता गया तो भुवन की टीम में ऐसे भी लोग आए जो दूर देश से आए, भुवन को ढूंढते हुए आए. जब आप टीम बिल्ड करते जाओगे तो दूर देश से लोग आएंगे, खुद ही ढूंढ करके आपको मैसेज करेंगे, सर आपका नाम श्रीनिवास साहू है, सर मैं आपकी टीम आना चाहता हूँ, सर मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूँ फेसबुक पर, आप और मैडम मिलकर के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ में सर काम. लोग आएंगे, जैसे तेजा उसमें आता है, अंग्रेजा की लश्कर आ दे, मैं अंग्रेजा की गिलियां उड़ा दूंगा, उसका मकसद आपके मकसद से मिल जाता है. ओके, और आपकी टीम में ऐसे भी लोग आते हैं जो कचरा टाइप के होते हैं, जिनको अपने पर कोई भरोसा नहीं, आपको भी उन पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन गेम को वही पलट देते हैं. आपकी टीम में बुजुर्ग भी आते हैं, ईसर काका जैसे, जो कि विजडम से भरे हुए हैं और लास्ट मोमेंट तक टिके रहते हैं, आते हैं ऐसे लीडर्स आपकी टीम. तो बेसिकली गेम क्या है? इट इज ऑल अबाउट लगान. इट्स ऑल अबाउट कि शुरुआत में आपके पास एक आदमी है, बाद में गांव और उसके बाद गांव के गांव, और सब लोग मिलकर के अल्टीमेटली आपके डायमंडशिप में शामिल हो जाते हैं. जब पूरे के पूरे देश में आपकी ख्याति फैल जाती है और लगान माफी हमेशा हमेशा के लिए आती है, दैट इज यू बिल्ड अ लेगेसी. ब्रिट वर्ल्ड का रोल कौन प्ले करता है? जो गोरी मेम थी, जिन्होंने देखा कि ये सीरियस है, तो शी केम टू टीच देम क्रिकेट. तो जब आप सीखने को तैयार हो, सिखाने वाले तैयार. एमवे का रोल क्या है? एमवे ओनली प्रोवाइड्स यू द बैट एंड बॉल, नथिंग एल्स. एमवे सिर्फ आपको बल्ला प्रोवाइड किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं प्रोवाइड किया. एमवे आपको सिर्फ बढ़िया हथियार प्रोवाइड करती है, एमवे आपको चलाना नहीं सिखाती. चलाना सिखाएगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड, हथियार को चलाना सिखाएगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड, हथियार प्रोवाइड करेगी एमवे, लेकिन सैनिक योद्धा लेकर के आप आओगे. तो बेसिक गेम क्या है? आपको बनना पड़ेगा. यू बेसिकली एमवे इज योर सर्विस पार्टनर, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज योर ट्रेनिंग पार्टनर. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. युद्ध में लड़ने जाइएगा तो हथियार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महारथी बनिएगा तो रथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कर्ण और अर्जुन बराबर के योद्धा थे, लेकिन बीच युद्ध के अंदर में कर्ण के रथ का पहिया फंस गया और वहीं गेम बदल गया. उसी प्रकार से कई लोग जाते हैं कुछ दूसरी कंपनियों में घूम फिर के आने के लिए, है ना. आती हैं कुछ कंपनियां जो मतलब बोलती हैं कि भाई हम तो बहुत बढ़िया हैं, एमवे से अच्छे हैं, ठीक है ना. बेसिकली क्या है, देखिए आप खाना पीना खाते हैं, सुबह सुबह वेस्टेज निकालते हैं, ठीक है ना, आपके बॉडी से कुछ वेस्ट निकलता है ना जी. वैसे इंडस्ट्रीज का भी कुछ वेस्ट होता है, हर इंडस्ट्री कुछ वेस्ट होता है. हम लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते थे, उसका एफ्लुएंट निकलता था. अब एमवे ऐसी कंपनी जिसने मतलब सारा का सारा इंडिया का सब कुछ, सारे नेटवर्कर को उसने टकार लिया था, अब उसके एमवे का वेस्ट ही ना निकले क्योंकि सब लोग एमवे में बैठे हुए. लेकिन कुछ कंपनी ने कहा कि हम आपका वेस्ट निकालेंगे, जो भी आपके सड़े गले हुए लोग हैं वो हमें दे दीजिए, उनका नाम भी कुछ वेस्टेज ऐसा ही है, दे दिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं लेके जाओ भाई. तो ऐसे ही कुछ लोग अपने रथों को बदल देते हैं और उनके पहिए गलत जगह फंस जाते हैं. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेवर फॉल इन द ट्रैप. जो भी आपको ये बता के लेके जा रहा है कि भैया हम फास्ट ग्रोइंग हैं, किसी आदमी ने मुझे फोन किया कि सर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, करते ही होंगे बड़े लीडर्स को फोन. तो मैं क्यों भाई, सर यहाँ जल्दी पैसे बनाते हैं. मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई, इससे जल्दी पैसे तो मैं बनवा सकता हूँ. कैसे? बैंक लूट लेते हैं, बैंक लूटने में और जल्दी पैसे बनेंगे. अगर जल्दी ही पैसे बनाने, स्मगलिंग कर लो भाई, उससे अच्छा जल्दी पैसे नहीं बनाने. एक्चुअली पैसे बनाने ही नहीं है, पैसे बनाने ही नहीं, हमें एसेट बनाना है. पैसे बनाने होते दोस्तों तो नौकरी में ही यू नो कहने वाली बात है, बट हैड सेवन फिगर का पैकेज. लास्ट जॉब आई डिड वाज दैट ऑफ सीईओ. और आपके यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आप में से कई लोगों को पता होगा कि आपके लीडर किस लेवल से निकल के आए हैं. तो सेवन फिगर की पैकेज लोग छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट एसेट्स. वो कार दिखाते हैं आप, कार कैन नेवर बी एन एसेट. वो बोलते हैं कि भैया हमारी स्वदेशी कंपनी, हम तो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं. तो भैया जर्मन कार फिर क्यों दिखा रहे हो? पैसे कमा के गाड़ी खरीदते हो, ऑडी खरीदते हो, मर्सिडीज, और सप्लीमेंट खिलाओगे इंडिया का, मतलब बॉडी की कोई वैल्यू नहीं, खाली घूमने की वैल्यू. पागल मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ, समझे ना, ठीक है ना. तो बहुत तरह की बातें, आप सब बेटर ट्रेंड है. मैंने इसलिए बोल दिया बिकॉज आजकल घूम रहे हैं बहुत सारे लोग चैट बॉट लेके बैठे हुए,
ऐसे जैसे आप एमवे लिखोगे अपने प्रोफाइल में तो चैट बॉट तुरंत आपके पर छोड़ देगा, कोरोना वायरस की तरह छूट जाएंगे आपके पर में. तो हैव अ गुड सर्विस पार्टनर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. देन हैव अ ट्रेनिंग पार्टनर लाइक प्रिट वर्ल्ड वाइड. प्रिट वर्ल्ड वाइड इज एन ऑसम ट्रेनिंग पार्टनर. प्रिट वर्ल्ड वाइड सबको ट्रेन कर सकता है. पर क्या साइकोलॉजिकली स्मार्ट आदमी थे बिल प्रिट? आप सोचो, मेजोरिटी की साइकोलॉजी इनको पता थी. देखो आप किसी कमरे में, आप एक लेडीज हो, आपने लिपस्टिक लगाया हुआ, आप किसी कमरे में घुस गए, वहां पर 10 लेडीज, किसी ने लिपस्टिक नहीं लगाया हुआ, तो आपको क्या होगा? ओ माय गॉड, कुछ गलती कर दी लगता है, होगा ना? ठीक है ना. अच्छा, आपने लिपस्टिक नहीं लगाया, सभी लेडीज ने लिपस्टिक लगाया हुआ, तो आपको क्या होगा? ओ माय गॉड, कुछ गलती कर. आप जेंट्स हो, ठीक है ना, आपने सूट नहीं पहना, सब जेंट्स उस कमरे में सूट पहन के बैठे, आपको लगे गलती कर दी. ठीक है ना, आप सूट पहन के चले गए, सारे जेंट्स वहां शॉर्ट्स पहन के बैठे, तो क्या लगेगा? गलती कर दी. मतलब क्या है? मेजॉरिटी की जो फिलोसफी है ये हम लोग शुरू से ही सोचते हैं. ये प्राइमल इंस्टिंक्ट है, हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि हम लोग पहले एनिमल किंगडम के पार्ट हुआ करते थे. झुंड से अलग होते थे तो मारे जाते थे या बिछड़ जाते थे, तो झुंड से अलग होना नहीं चाहते. मध्यम वर्गीय लोग या जो लोग भी अपने को कमजोर समझते हैं मेंटली, जो अपने कमजोर समझते हैं, या यू नो कि हम अपने आप को बहुत 30 मार्क का नहीं समझते हैं, मध्यम वर्गीय लोग झुंड में रहना चाहते हैं, हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं. भीड़ जो करेगी हम वही करेंगे. फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो मेंटालिटी. भीड़ आईफोन खरीदेगी तो हम आईफोन खरीदेंगे, भले किडनी बेचना पड़े बट खरीद देंगे. भीड़ अगर राजधानी एक्सप्रेस में थर्ड एसी में जाएगी, थर्ड में जाएंगे, सेकंड जाएंगे तो सेकंड जाएंगे. होंडा सिटी खरीदा भीड़ ने तो हम भी खरीदेंगे. हम उसका बच्चा आईटी पड़ेगा तो मेरा ही बच्चा, चाहे उसके लिए बच्चे को मेरे को जाने लगा. भीड़ वो सब कुछ करेगी जो भीड़ करे. वी ऑलवेज वेट फॉर समबडी एल्स टू क्रिएट अ ट्रेंड एंड देन वी फॉलो इट. पहले फेसबुक ट्रेंडी था, अब उसके बाद हो गया क्या कहते हैं इंस्टाग्राम ट्रेंडी, तो अब सब इंस्टाग्राम पर जा रहे हैं. इंस्टाग्राम के फिर कोई और ग्राम ट्रेंडिंग हो जाएगा, सब उसके पर. तो ट्रेंडिंग को फॉलो करते हैं, भीड़ से हटना नहीं चाहते. तो इसी बात को बिल ब्रिट ने समझ लिया था कि ठीक है, भीड़ से हटेगा नहीं. अगर आप अकेले 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, 10 प्रोस्पेक्ट्स को प्लान दिखा रहे हो, ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. 10 प्रोस्पेक्ट्स आर मेजॉरिटी, यू आर माइनॉरिटी. आप अकेले एमवे के प्रति पॉजिटिव हो, ये 10 न्यूट्रल या नेगेटिव है, तो होगा क्या? ये मेजॉरिटी है, ये सब देखेंगे. बाकी लोग एमवे कर रहे हैं क्या? ओ नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करूंगा, सिंपल. लेकिन ओपन मीटिंग में क्या होता है? वहां पर 300 लोग आए, 300 में 30 प्रोस्पेक्ट, 270 लोग एमवे के प्रति पॉजिटिव, तो प्रोस्पेक्ट क्या देख रहा है? ओ बाकी सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 30 मिनट के अंदर में बेसिकली इट्स जस्ट प्योर साइकोलॉजी दैट विल मेक अ प्ले. उसको डिसीजन मेकिंग में साइकोलॉजी हेल्प करेगी, उसको स्ट्रेंथ फील होगा. ओ माय गॉड, नंबर्स आ देयर, सब लोग कर रहे हैं, कहीं मैं पीछे तो नहीं हूं. दैट इज व्हाट हैपेंस. मैं आपको बता रहा हूं, आप मैं गारंटी देता हूं कि आप डायमंड भी क्यों नहीं हो इस बिजनेस में, आप एक साल तक उन लोगों के एसोसिएशन कर लो जो एमवे नहीं कर रहे, आपका भूल जाओगे एमवे बिजनेस को. मैं गारंटी देता हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि आज आप इस बिजनेस को शुरू भी नहीं किए हो, आज से आप डायमंड के एसोसिएशन साल भर तक कर लो, देखो आपका दिमाग कितना खांच लगता है. इट्स अबाउट एसोसिएशन. इस बात को बिल ब्रिट ने उस समय समझ लिया था. प्रोग्रामिंग को समझ लिया था कि हम सब लोगों को प्रोग्रामिंग, भाई सीधी बात है, एंटीवायरस चाहिए. एक बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर को एंटीवायरस चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है. आप अपने घर में दरवाजा में लॉक मारते हो, अच्छा लॉक मारते हो, क्यों मारते हो? तो दिमाग के लिए कौन सा लॉक है आप बताओ? दिमाग में फालतू चीजें ना घुसे उसके लिए कौन सा लॉक है? कोई लॉक नहीं. तो अगर लॉक नहीं है तो क्या कर सकते हो? एंटीवायरस यूज करना पड़ेगा. समझो, स्मार्टफोन और स्मार्ट आदमी जल्दी डिस्चार्ज होता है ना, इसीलिए उसको चार्जर चाहिए. तो वहीं पर स्मार्ट टच आता है, स्मार्ट टच आपको रिचार्ज करता है. केस स्टडीज आफ्टर केस स्टडीज. अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको केस स्टडी पढ़नी है. आप अगर हार्वर्ड में जाओगे या आईएसबी में जाओगे, आईएम्स में जाओगे या एमबीए करोगे, तो वहां पर केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी, केस स्टडी. इट्स ऑलवेज केस स्टडीज, लेस ऑफ थ्योरी, मोर ऑफ केस स्टडीज. श्रीनिवास सर जानते होंगे, ओके, केस स्टडीज होती है. केस स्टडीज की, उसने ऐसा केस किया, उसका ऐसा केस किया, उसका क्या. एक लॉयर क्या करता है, क्या करता है, एक अच्छा एडवोकेट क्या करता है? केस आफ्टर केस पढ़ता है कि नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? फाइल आफ्टर फाइल पढ़ता है. डॉक्टर क्या करते हैं? केस आफ्टर केस, केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री. उसी प्रकार से एक अच्छे नेटवर्कर को, एक अच्छे बिजनेस ओनर को केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री, केस हिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट पीपल वर्ल्ड ओवर की केस हिस्ट्री क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा, जो कि स्मार्ट टच में आपको मिलता है. एंड द बुक्स, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि दुनिया में कोई भी क्रांति बिना किताबों के हो ही नहीं पाई. नहीं क्रांति कोई, आप धर्म को भी अपने किताबों से जानते हो. आपका धर्म क्या हो तो आप गीता से जानते हो, या कुरान से जानते हो, या बाइबल से जानते हो, या गुरु ग्रंथ साहिब से जानते हो. धर्म को आप किताबों से जानते हो. तो सोचो इस बिजनेस को भी किताबों से जानना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आप एक मिनट के लिए आप सोचो कि आपकी हिस्ट्री भारतवर्ष के बारे में, आपकी हिस्ट्री डिलीट कर दी जाए. यू हैव नो आइडिया अबाउट इंडिया वॉज. आपको सभ्यता संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई प्राइड ही नहीं. गांधी कौन, नेहरू कौन, अशोक कौन, समुद्रगुप्त कौन, आपको पता ही नहीं है. यू हैव नो आइडिया. राम कौन, सीता कौन, कौन प्रॉफिट मोहम्मद, नोबडी हैज एनी आइडिया. तो क्या होगा आपका प्राइड अबाउट द बिजनेस, सॉरी अबाउट द कल्चर, क्या होगा? जीरो. क्या दिवाली, क्या होली, आपके लिए कुछ नहीं होगा आपके लिए. उसी प्रकार से इस बिजनेस में से आप उस हिस्ट्री को गायब कर दो. कांति गाला की हिस्ट्री को, डॉक्टर ब्रज की हिस्ट्री को आप गायब कर दो, आप गायब कर दो. तीर्थंकर दत्ता की हिस्ट्री को, आप प्रियंवा जी की हिस्ट्री गायब कर दो, अनुराग जी की हिस्ट्री, आप हिस्ट्री गायब कर दो. तो क्या होगा? आपका प्राइड ही खत्म हो जाएगा. द प्राइड, द कल्चर विल बी ओवर.
ब्रिट वर्ल्ड वाइड मेक्स इट श्योर दैट सभी लोगों को रिकॉर्ड कर दिया, जो लोग जिंदा हैं उनको भी रिकॉर्ड कर दिया, जो आज दुनिया में नहीं उनको भी रिकॉर्ड कर दिया, सो दैट यू नो कि व्हाई दीज जायंट्स एग्जिस्टेड एंड दे टुक पेन टू टीच टू टेक बिजनेस टू दिस लेवल, जिसको आज इतने मजे से आप एंजॉय कर पा रहे हैं। इतना पेन लिया उन लोगों ने, कल्चर बिल्ड किया उन लोगों ने, इस कल्चर का प्राइड आपके अंदर आता है। जब ये प्राइड आपके अंदर में आता है तब आप जो काम करते हो ना खिल करके काम करते हो। लेकिन आपको काम करने के लिए क्या है, यू आर द पीपल पार्टनर। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ, एमवे बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट्स बेचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है रिक्रूटिंग द राइट टीम। ऑल द बिजनेस ओनर्स इन द वर्ल्ड नो हाउ टू रिक्रूट पीपल, क्योंकि वो लोग पीपल मास्टर होते हैं। बिल गेट्स किस चीज के मास्टर हैं, लोगों को रिक्रूट करने के। अंबानी किस चीज के मास्टर है, लोगों को रिक्रूट करने के। बिजनेस ओनर को कोई भी काम दे दो वो उसके लिए एक आदमी ढूंढ लेगा। मेरी तो आदत ही होती जा रही, कोई भी काम मेरे को दीजिए मैं एक आदमी ढूंढ लूंगा उसके लिए। दैट्स द बेसिक यू नो नेचर ऑफ अ बिजनेस ओनर, दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड गाय, उसको कोई भी काम दीजिए वो खुद ही कर लेगा, और बिजनेस ओनर उसको कोई भी काम दीजिए वो हमेशा एक आदमी ढूंढ लेगा उसके लिए। तो आदमी ढूंढने की जो कला है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट कला है। तो आदमी ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको पीपल के बेसिक रेशियोज और स्किल्स बताना चाहिए। पीपल का बेसिक रेशियो क्या है, हर आदमी हर काम को नहीं करेगा। जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान को सब नहीं मानते भाई। जिस देश को आप अच्छा बोलते हो उस देश को दुनिया में सब अच्छा नहीं बोलते। जिस रंग के कपड़े आप पहनते हो उस रंग के कपड़े सब नहीं पहनते। जो हेयर स्टाइल आपको पसंद है सबको नहीं पसंद है, जो एक्टर आपको पसंद है सबको नहीं पसंद है। सीधी बात है ना। तो बेसिकली आपको मानना पड़ेगा कि हर आदमी आपकी हर बात को अग्री नहीं करेगा। ये पीपल का बेसिक रेशियो है, इसको समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा। 10 लोगों से बात कीजिएगा, 100 लोगों से बात कीजिएगा इसी काम को करने को लेकर के, तो एक आदमी तैयार हो जाएगा। आप 100 लोगों से बोलो कि भैया पिक्चर चलना है, दो चार लोग तैयार हो जाएंगे। 100 लोगों से बोलो भैया ये प्लॉट लेना है, दो चार लोग तैयार हो जाएंगे। 100 लोगों से बोलो जहर खाना है, तो भी तैयार हो जाएंगे। अभी 100 लोगों से बात करो सुसाइड करना है, तो भी लोग तैयार हो जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज है। सोचो अलकायदा ISIS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को जब लोग मिल जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, तो आपको अच्छा काम करने लोग नहीं मिलेंगे। मानव बन बनने को तैयार होता है, ब्लू व्हेल गेम खेलने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो आपको अच्छे काम के लोग नहीं मिलेंगे। इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रेशियोज। दुनिया में क्या होता है कि जॉब करने वाले का रेशियो जो होता है और जो बिजनेस करने वाले का रेशियो ठीक उल्टा होता है। जॉब में कोई आदमी को आप बता रहा हूं मैं आपको, सपोज एक लॉयर है, उसको 100 में से 90 केस वो हार जाता है, तो अच्छा लॉयर है खराब लॉयर है, लोग बोलेंगे खराब लॉयर है। एक डॉक्टर है, उसके 100 में से 90 पेशेंट मर जाते हैं, तो बोलेंगे खराब डॉक्टर भाई। एक इंजीनियर है, 100 पुल बनाता है 90 पुल गिर जाता है, तो क्या बोलेंगे भाई खराब इंजीनियर। लेकिन एक नेटवर्कर या एक बिजनेस ओनर, लेट्स से बाबा रामदेव, बाबा रामदेव को 100 भारतीयों में से 10 लोग उनका सावन खरीद लेते, तो बड़ा आदमी कि छोटा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। अगर 100 में से 10 आदमी आपका आपका कस्टमर है तो आप बहुत बड़े आदमी। बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं। पान परा कितने लोग खरीदते होंगे, 100 में से 2 आदमी 5 आदमी, तब भी कोठारी कितना बड़ा आदमी है सोचिए, इमेजिन। तो बिजनेस ओनर का रेशियो ठीक उल्टा चलता है। जॉब वाले अपने रेशियो से उसको देखते रहते हैं कि भैया मेरे को सक्सेस रेशियो क्या मिल रही है। सक्सेस रेशियो कुछ नहीं होती है, वट एवर रेशियो इज देयर यू जस्ट नो द रेशियो। Everybody has a different success ratio. You can make up in numbers for what you lack in skill. You just need to know your ratio. जो बोगे वो काटोगे, ये एक और नियम है, law of sowing and reaping. और जो नहीं बोगे नहीं काटोगे। अगर आपकी जिंदगी में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत प्लान नहीं दिखा रहे। ये इतिहास गवाह, जितना प्लान हमने जिसको दिखाया कोई नहीं आया, लेकिन प्लान दिखाने की वजह से बहुत लोग आए। कई लोग आपके झोली में टपक गए, क्यों? इसलिए नहीं कि हमने उसको प्लान दिखाया, इसलिए कि प्लान कभी दिखाया था, डिपॉजिट कभी किया था, तो इंटरेस्ट ऊपर वाला कभी मारता नहीं, जान लीजिए, है कि नहीं? डिपॉजिट करते जाइए, पीपल विल कम इन योर लाइफ। अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है कि लोग आके झोली में गिर जाते। हर रोज कोई एक आदमी लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, सर आप आशीष सर हैं, मैम आप ddevjani मैम है, वी वॉन्ट टू ज्वाइन यू। दिस इज एन अमेजिंग थ्रिल। बट आई नो, वी नो कि कहां पर इसके पीछे राज छुपा हुआ है। जो हमारे पीछे के कर्म है वही हमें फल दे रहे हैं। कर्मा ऑलवेज पेज बैक। जो करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा। इसलिए आप प्लान दिखाते रहो। आप तपस्या करते रहो, दर्शन तो एक दिन हो ही जाएंगे आपको। पीपल पार्टनरशिप, पीपल स्किल्स में याद रखना, और हमेशा पीपल स्किल्स को हमेशा वैल्यू देना। लोगों को सुनना ज्यादा, बोलना कम, उनको खाली करना, अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना। आप कितने बड़े 30 मार्क हो, जाने किसी को इंटरेस्ट नहीं, वो क्या 30 मार्क है, उनको अच्छा फील कराओ एंड एवरीथिंग विल हैपन। सो दैट इज बेसिकली, ये रोल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया आपका रोल है लोगों को लाने, लोगों के साथ ना को खेलना है। ग्लिस्टर अपने आप को नहीं बेचता है, लोग उसको बेचते हैं, समझ लीजिए। डायमंड अपने आप पिंचल के घर में नहीं आता, लोग डायमंड जाने का निर्णय लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट पीपल एंड मूविंग फॉरवर्ड। प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड, मोस्टली सभी को पता होगा क्या होता है, एक हैंडशेक, यू नो, ब्रिट किट ओपनिंग होगी, एमवे प्रोडक्ट्स ओवरव्यू हो गए, ब्रिट सिस्टम ओवरव्यू हो गया, ऑनरिंग द पार्टनरशिप, डीपीआर मेकिंग, ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग, और एक डीसीटीएस जर्नी। इसको बहुत डिटेल में कवर नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
डीसीटीएस जर्नी क्या होती है, सबसे पहले किसी व्यक्ति को एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बना सिखाइए, दूसरा उसको इस बिजनेस का अच्छा कस्टमर बना सिखाइए, तीसरा उसको कुछ कस्टमर बना के टर्नओवर करना सिखाइए, और लास्ट में उसको स्पॉन्सरिंग सिखाइए। ये डीसीटीएस जर्नी होती है। मेंटर्स क्लब हम लोग के लिए बहुत कुछ सिंपल है, कुछ नहीं है, एसोसिएशन, आपको ओपन मीटिंग में रहना चाहिए, स्मार्ट टच में रहना चाहिए, और 100 पीवी आप 3 तारीख कर, इसी को मेंटर्स क्लब बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मेंटर्स क्लब का गेम प्लान क्या है, ये एक अलग टॉपिक ऑल टुगेदर, बट मैं बताता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट द ओपनिंग, नॉट अबाउट द क्लोजिंग। हम लोग सीधी बात करते हैं कि ओपनिंग वॉल्यूम कितना है, 3 तारीख को ओपनिंग वॉल्यूम की बात करते हैं, 2 तारीख को प्रमोशन आते हैं, 3 तारीख को आपका ओपनिंग वॉल्यूम कितना है। अगर आपके एक मेंटर्स क्लब क्वालिफायर है तो 100 पीवी ओपनिंग वॉल्यूम है, उसी आदमी ने दो लोगों को डुप्लीकेट कर दिया 300 पीवी हो गया अगले महीने, उसने और कुछ लोगों को डुप्लीकेट कर दिया 600 पीवी हो गया। बेसिकली गोल क्या है, गोल इज नॉट 10,000 पीवी, गोल इज 10,000 पीवी ऑन थर्ड, 10,000 पीवी ऑन थर्ड, दैट इज व्हेन यू बिकम फ्री। आप यहां 10,000 की मजदूरी करने नहीं आए, कई लोग 10,000 की मजदूरी करें, देन यू आर अ सेल्स मैनेजर फैमिली, अंडरस्टैंड, 10,000 पीवी की मजदूरी करने नहीं आए, 10,000 पीवी से फ्री होने आए। तो इसलिए गोल शुड बी 100 मेंटर्स क्लब के बंदे, जैसे अमेरिका में होता है डिटो डिलीवरी होती कि भैया 12 बजे रात को 1 बजे मिनट पर अपने आप ऑटोमेटिकली डेबिट होकर के पीवी हो जाता है। तो देर आर पीपल हु क्वालिफाइड 12 लेग्स एंड 20 लेग्स ऑन द डे फर्स्ट मिनट ऑफ द नेक्स्ट डे, क्या कहते हैं, मंथ। आपकी एसेट भी वही है, लोग ही आपके एसेट है। एमवे कैन टेक अवे द पीवीज, एमवे कैन नेवर टेक अवे द पीपल, राइट, your people are your assets. इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे, your mentors will have, you know, better plans. Now we are coming to this more important part, जिसको ये psychological part. आप अपने IBOs को action mode में लाते कैसे, किसी IBO को आपको चाहिए कि action mode में आ जाए, काम नहीं कर रहा सर, ये काम नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसके पीछे ट्राइंगल है, ये साइकोलॉजिकल ट्राइंगल, इसको समझिए। क्या होता है, सबसे पहले लोग आपका रैपो देखते हैं, रैपो क्या है आपका, आपका इंप्रेशन क्या उनके ऊपर। जब तक आपका रैपो बढ़िया नहीं होगा ना, लोग आपके काम नहीं करने वाले, आपका रैपो सही होना चाहिए। अगर वो आदमी आपको बुरा मत मानेगा, चिरकुट समझता है, आपके साथ कभी काम नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले चीज आपका रैपो सही होना चाहिए। रैपो सही होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं तो ठीक है, आपने फर्स्ट रिंग से मेहनत की तो क्रेडेंशियल्स अच्छे हो गए, ओके। लेकिन रैपो करने के बहुत तरीके होते हैं। रैपो करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको प्रभावशाली नहीं बनना है तो आप स्वभावशाली बन जाइए, आप स्वभाव से उसको जीत लीजिए। स्वभाव से क्या जीतने का मतलब, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए। दुनिया में किसी भी आदमी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट पसंद है, आप उसको जेन्युइनली केयर कर लीजिए, रैपो बढ़िया बनाइए, उसको क्या लगे कि यार भरे बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं हो बट अकाउंटेबल है, कम से कम लोगों को इसके क्या कहते हैं व्यवहार अच्छा है, रैपो बढ़िया होना चाहिए। रैपो जब आपका बढ़िया हो जाए और जब लोग आपकी सुनने को रेडी हो जाए तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पैदा करना सीखिए। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है, बाय मोर एंगेजमेंट, व्हेन यू मीट देम मोर ऑफन, ओके, डिजिटली और फिजिकली यू मीट देम मोर ऑफन, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान का रैपो बहुत अच्छा है, बट कितनी माएं अपनी किसी जवान बेटी को शाहरुख खान का डिनर के लिए भेजेंगी रात के 11 बजे। रैपो तो अच्छा है उसका, आदमी तो खराब नहीं है, रैपो बहुत अच्छा, शाहरुख खान, बेटी भी पागल, मम्मा जाने दो, लेकिन मम्मा क्या बोलेंगी, नहीं बेटा 11 बजे नहीं जाने, क्यों, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसी प्रकार से बहुत लोग होते हैं जिनको ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं होता। रैपो आपका ठीक है, आप होंगे डायमंड एमवे में, लेकिन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ, अभी आपने उसका दिल नहीं जीता, आपसे वो कंफर्टेबल नहीं हुआ। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होता है जब आप कंटिन्यूअसली उसके साथ में हिलते मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है दैट यू मीट देम, यू नो देम कंटिन्यूअसली। व्हेन यू स्टार्ट मीटिंग देम, दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, व्हेन दे ट्रस्ट यू देन दे गिव इन्फॉर्मेशन टू यू दैट दे हैव नेवर गिवन। हम लोग इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, बहुत सारा डेटा वो आपको देंगे, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, बाँ 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 बाँ। और इसमें लेडीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेडीज कैन टेक आउट इन्फॉर्मेशन सो फास्ट, यू ऑल नो अंडरस्टैंड, दे कैन टेक आउट इन्फॉर्मेशन सो फास्ट। अब इस इन्फॉर्मेशन में से रियल डेटा निकालना, इसको कहते हैं रियल, उसमें से वो पार्ट निकालना है जो है उसकी प्रॉब्लम। जैसी उसकी प्रॉब्लम आपकी पकड़ में आ गई, जैसे डॉक्टर क्या करता है, जीभ दिखाओ, नस दिखाओ, ये दिखाओ, नाड़ी दिखाओ, ये करो, क्यों, डॉक्टर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है का, नर्व्स पकड़ रहा है, प्रॉब्लम पकड़ में आ गई। जैसे आप उसको गए न्यूट्रलाइट डेली देने के, प्रॉब्लम पकड़ में आई कि जी तो इनको तो नौकरी जा चुकी है 2 महीने पहले, बता नहीं रहे, वाइफ ने बोल दिया कि पता है इनको तो 2 महीने पहले नौकरी से अभी छोड़ दिया ना, तो अभी प्रॉब्लम क्या है उनकी, नौकरी नहीं है, तो डेली बेच के करोगे क्या, कोई फायदा नहीं, राइट, अंडरस्टैंड। आप गए उनको एमवे का प्लान दिखाने के लिए, मालूम चला कि इनकी तो मम्मी सीरियस है, एडमिट है गंगाराम में, ठीक है ना। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होना, प्रॉब्लम का पता होना बहुत जरूरी। जैसी प्रॉब्लम हाथ में लाए सॉल्यूशन ऑफर कर दो। पीपल इन बिजनेस ऑल्सो नीड सॉल्यूशन। आवर मेगा मेंटर प्रियंवर जी इज मास्टर ऑफ ऑफरिंग सॉल्यूशन। प्रियंवर जी इस बात को पकड़ लिया था कि आशीष और देवजानी, पैसे की दिक्कत नहीं इन लोगों को, जॉब में ठीक है दोनों, अपना काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये पकड़ लिया था, उन्होंने हमसे ये पूछा कि तुम जॉब के अलावा करते क्या हो, हमने कहा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करते हैं, उन्होंने पूछा क्यों, ठीक है,
तो हमने कहा इसीलिए सर, क्योंकि जब मैं सेलिब्रिटी को उतारते हैं हम लोग स्टेज पर ना, सेलिब्रिटी स्टेज पर आता है ना, तो सर लोग तालियां बजाते हैं ना, घूस बम साते हैं, अच्छा लगता है सर। उन्होंने कहा अच्छा घूस बम साते हैं, सोचो अगर सेलिब्रिटी की जगह तुमको उतार दिया जाए तो लोग तालियां बजाए कैसा लगेगा। उन्होंने कहा सर ऐसा हो सकता है क्या। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी सीडी दिखा दी हम लोग कि देखो मेरे लिए तालियां बजा रहे लोग, बिना एक्टर हुए, बिना सिंगर हुए, बिना स्पोर्ट्स पर्सन हुए, लोग तालियां बजा रहे मेरे लिए। और वहीं उन्होंने हमारी नब्ज पकड़ ली, उन्होंने सॉल्यूशन दिखा दिया हम लोगों को और हम लोग काम में लग गए। जैसे ही सॉल्यूशन कोई देखता है एक्शन में लग जाता है, जैसे सॉल्यूशन देखा एक्शन में लग जाता है। जिस आदमी को दिखाई दे दिया एमरल्ड शिप में सॉल्यूशन, डायमंड शिप में सॉल्यूशन, प्लैटिनम शिप में सॉल्यूशन, जिसको सॉल्यूशन दिखाई दे दिया वो आदमी काम में लग जाता है। जिसको सॉल्यूशन दिखाई देगा उसको आप कन्विंस करते करते थक जाओगे, वो काम नहीं करने वाला। गेम सॉल्यूशन का है। हम तो लोगों से जब बात करते हैं तो हम एमवी की बात ही लास्ट में करते हैं, हम तो सीधा बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी आदमी से बात कर, तो ऐसी बातचीत कर रहा हूं, और गुरु कैसे मतलब अभी गाड़ी कौन सी चला रहे हो। सर अभी तो टू व्हीलर चला रहा हूं। अच्छा अच्छा कौन सी चला रहे हो। सर पल्सर चला रहा हूं। अच्छा अच्छा कितने की पड़ी पल्सर। सर 80,000 रुपए की पड़ी। अच्छा ईएमआई चल रही है कि नहीं। सर अभी तो ईएमआई नहीं चल रही है, मतलब बेसिकली हाँ मतलब क्या कहते हैं अभी 2 साल बचा हुआ है सर। अच्छा अच्छा कितना पड़ता है। सर 4,500 रुपीज। ओके आसान लगता है कि मुश्किल। सर क्या बताऊं, शुरू में तो ठीक लग रहा था लेकिन बाद में सर बड़ा मतलब वाट लग रही है। 4,500 रुपए हर महीने 3 तारीख को पैसे आते तभी कट जाते हैं। हाँ यार बात तो सही है। अच्छा गुरु ये बताओ कि ये जो मतलब ईएमआई तुम दे रहे हो, इस ईएमआई को जीरो करने के अगर तुमको एक प्लान बताऊं तो तुम सुनोगे। बोला सर बताओ जल्दी बताओ। सर क्या हुआ, क्या पकड़ा हमने, उसकी ईएमआई को पकड़ा, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ा। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इस प्लान को काम करके। सबके बस का नहीं है बट कुछ लोगों ने कर लिया है। 3-4 महीने का टाइम लगेगा। कर पाओगे 1-2 घंटा टाइम निकाल के अपना ईएमआई फ्री करने को तैयार हो। हाँ सर क्यों नहीं करेंगे, चलो ठीक है। अच्छा दूसरा ये बताओ कि सारी जिंदगी क्या यहीं पे एक्सेलरेटर रखोगे कि पैर पे भी लाओगे। अरे सर आपने दुखती रखते हाथ रख दिया है ना। बारिश जब होती है तो लेकर के जब अपने पत्नी बच्चे को निकलते हो तुम तो अच्छा लगता है। सर क्या बताऊं कि आप तो सर मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कौन सी गाड़ी, फोर व्हीलर कौन सी पसंद है तुमको। सर सच बताऊं तो स्विफ्ट डिजायर सर बहुत पसंद है। अच्छा कौन सी कलर की। सर ब्लू रंग वाली तो बड़ी अच्छी लगती है सर। ओके ओके कभी दाम हम पता किए हो। होगा सर 10-12 लाख का। अच्छा तो ईएमआई कितना होगा उसका। सर 15,000 की ईएमआई होगी। अच्छा गुरु ये बताओ कि जो प्लान तुमको बताएंगे उसी प्लान से अगर तुम 1-2 साल में तुम्हारा 15,000 का ईएमआई जुगाड़ हो जाए तो। क्या बात कर रहे हैं सर, सही में हो सकता है भाई। मैं तुमको दिखा दूंगा ऐसे लोग। आई कैन शो यू सच पीपल, केस स्टडी है मेरे पास में। आई कैन शो यू, तुम्हारे 2 साल में स्विफ्ट डिजायर तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाएगी। सीरियस हो तो बताओ, ऐसे नहीं टाइम पास मत करना मेरे साथ। अगर सीरियस हो तो भैया थर्सडे की शाम को एक मीटिंग होगी उसमें चले आना। तो क्या बेचा हमने, हमने उसकी प्रॉब्लम पकड़ा। कहीं एमवे नहीं है, कहीं नेटवर्किंग नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोगों को कोई मतलब नहीं कि आपके पास क्या है। आप इंडिगो एयरलाइंस में जा रहे हो, इंडिगो एयरलाइंस बक बक कर रहा है, बोल रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस पैदा हुआ था 1942 में, उसके सीईओ का नाम ये है, इंडिगो एयरलाइंस के इतने एम्प्लॉई हैं, इसमें इतने लोग इतना पैसा कमाते हैं, इंडिगो एयरलाइंस में हम कुकी बेचते हैं तो हम ये बेचते। आदि पक जाएगा भाई, चुप हो जाओ। कभी कभार एमवे में यही करते हैं, पक 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 पक। उसको नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उसकी प्रॉब्लम चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट माइंड, बट दिस इज प्योर साइकोलॉजी। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर ओनली बॉदर्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे हार्ट टूट गया। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए, ठहरिए, मैंने जो हॉस्पिटल शुरू किया था 40 साल पहले शुरू किया था और मेरे पिताजी ने हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल टर्नओवर इतना बड़ा है, देखिए इस हॉस्पिटल कितने इतने स्टाफ का। वो बोलेगा डॉक्टर साहब प्लीज मेरा हार्ट देख लो, यू अंडरस्टैंड। तो कभी कभार लोग आते हैं एमवे में हमारे पास में कि सर हमें कोई टूथपेस्ट दे दो, और हम शुरू करते हैं, देखिए एमवे बिजनेस 1959 में शुरू हुआ था, और वहां से ग्लिस्टर की हिस्ट्री दिखाते हैं उसको, रॉबर्ट कियोसाकी को कावासाकी में बिठाते हैं और नागासाकी भेज देते हैं, वो पागल हो जाता है वो, ठीक है ना। तो उसको चाहिए बेसिक, ठीक है ना, सिंपल सॉल्यूशन देने का, सिंपल सॉल्यूशन टू लुक एट दिस। अभी देखिए प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं प्रोडक्ट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट में सॉल्यूशन दिखाया जाता है। 10 सेकंड में सर्फ एक्सेल वो बोल जाता है जो 1 घंटे में नहीं बोल पाते। सर्फ एक्सेल क्या बोलता है, सबसे पहले उसको प्रॉब्लम में डिपशिट घुसा देता है। क्या करता है, आदमी है, आदमी चटनी गिरा लेगा अपने शर्ट, इतना चटनी कोई नहीं गिराता लेकिन वहां गिराएगा, ठीक है ना, आदमी गिराएगा, लेडीज तो गिराएंगी नहीं, सब आदमी बेवकूफ होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेडीज ने खरीदना है तो लेडीज को तो कभी दिखाने देते ना समझ। और आदमी लड़का, फिर उसके बाद देखिए जेंडर बायस बहुत है, सब पकड़ते नहीं हम लोग, लेकिन फिर देखिए कूद रहा है कीचड़ में, कौन कूद रहा है, लड़की नहीं कूदेगी, लड़का ही कूदेगा, बेवकूफ वही है, बट कूदेगा भी तो ऐसा, ऐसा कोई लड़का कूदता ही नहीं, इतना पागल कोई नहीं होता, बट कूदेगा क्योंकि उस एड में उसको दिखाना है कि इतना ज्यादा दाग आपके शर्ट पैंट पे लग रहा है। और लेडीज बोलती है घर की, वह अरे यार ये तो ऐसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम दिखा दिया उसने आपको, 5 सेकंड में प्रॉब्लम दिखा दिया, पूरा भरपूर प्रॉब्लम दिखा दिया उसने कि देखो जी दाग है, और अगले 5 सेकंड में सॉल्यूशन दिखा दिया, दाग है ना, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, जो आपका माइंड रीड किया ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन।
आमिर खान भाई साहब आए, उन्होंने कहा ठंडा मतलब कोका कोला, पूरा इंडिया चाय ठंडा करता था, चाय पीजिए या ठंडा पीजिए, ओके। तो ठंडा में क्या था, रसना भी था, शरबत भी था, नींबू पानी भी था, रूह अफजा भी था, सब कुछ था, लेकिन उसने बोला ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। अब पूरे इंडिया ने रट लिया ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब, और दिखा रहा है क्या, प्यास लगी हुई है, पूरा झुलस रहा है, गर्मी में पानी नहीं पिएगा, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला ही पिएगा। तो बेसिकली ये हो ठंडा मतलब कोका कोला। और देखिए सॉल्यूशन, अमिताभ बच्चन साहब दिखा रहे हैं कि आपको सर दर्द है ना तो नवरत्न थे। अब कई लोगों को साइकोलॉजिकली सर दर्द नवरत्न थे, पता भी नहीं क्या कर रहा है, बट कर्मचारी बन गए तुरंत। देखिए सफारी सूट पहन लिया मैंने, चारों तरफ फाइलें आ गई, लुक एट कैसे माहौल पैदा करते हैं, ठीक। 10 seconds देर, दिस इज एडवर्टीजमेंट की दुनिया, इसको समझिए, ये बकवास दुनिया नहीं है, बहुत साइकोलॉजिकल दुनिया है। बस स्टॉप पर लड़का बैठा हुआ है, लड़की बैठी है, बोलने की हिम्मत नहीं उसको, डेयरी मिल्क जब तक खाएगा नहीं शुभारंभ होगा नहीं उसका, तो सारे बच्चे अब डेयरी मिल्क खा रहे हैं। उससे भी आगे निकल गया एक्स, बोला कि भैया एक्स लगाओगे तो एक नहीं दो गिरेंगे, सारे टीनेजर एक्स लगा रहे हैं, उनको पता नहीं कि एक्स, और पूरा का पूरा एक्स लगा रहे हैं, पागल हो चुके हैं। फेयर एंड लवली ने पूरे इंडिया को पागल बना दिया, बोला कि 7 हफ्तों में गोरापन, मतलब अगर कोई लड़की को अगर सांवला गलती से सांवली हो गई वो, तो उसकी शादी नहीं होगी, बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा उसको, उसका मतलब सब लोग उसको अलग नजर देखेंगे, फेयर एंड लवली लगाओ, ठीक है ना। रजनीगंधा नहीं खाया आपने तो मुंह में रजनीगंधा नहीं, कदमों में दुनिया नहीं आपकी आएगी, ठीक है ना। और तो और इस एड को देखिए, इस एड ने तो मतलब लेजेंडरी एड था, मतलब दहेज से बचना है तो पान पराग भैया, सोचिए दहेज से पान पराग को, इमेजिन द ब्रेन ऑफ द पीपल, सोशल इविल को किल कर दिया पान पराग से, और आपके मुंह में दे दिया कैंसर, समझ लीजिए। पीपल डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ब्रांड, इट्स अ प्राइवेट ट्रेनिंग, सो आई एम जस्ट टेलिंग कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। बेसिकली कि भैया डर गया अशोक कुमार की, भैया क्या मांग लेगा मुझसे, सीधा उसने बोला पान पराग, बारातियों का स्वागत, सारे बाराती पान पराग खाने लगे, पता भी चला पान पराग कब लाइफस्टाइल बन गया, पान पराग की दुनिया को कोई नीड नहीं थी, लेकिन आपको उसने दहेज की प्रॉब्लम से पान पराग को रिलेट कर दिया और आप खाने लगे। इमेजिन हाउ इंटेलिजेंट पीपल आर। इसका मतलब क्या है, डोंट टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स, टॉक अबाउट पीपल्स प्रॉब्लम्स। आप डायबिटीज के बारे में किसी आदमी से 10 मिनट बात कर लो, पूछ लो, अच्छा अंकल सुना आपको थोड़ा डायबिटीज रहती है, अच्छा हाँ, अब कितना शुगर रहता है अंकल, अच्छा क्या क्या लेते हो, अच्छा ये प्रॉब्लम, अब फिर क्या होता है, आप डॉक्टर मत बनो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, आपको दवाई पता नहीं क्या होता है, आप उससे प्रॉब्लम पूछो, अच्छा अंकल कैसा फील होता है, थकान भी फील होती है, अच्छा कैसे, अच्छा बताओ कैसे, तो क्या करते हो अंकल, तकलीफ बहुत होती होगी, मिठाई नहीं खा पाते होगी, आप उसकी प्रॉब्लम उसको डुबा दो 10 मिनट, उसके बाद उसको प्रॉब्लम से बाहर, मतलब कुएं में गिरा दिया, अब कुएं से बाहर निकालो। जानते हैं अंकल एक बात बोलूं, आपने कभी मधुनाशिनी का नाम सुना है अंकल, न्यूट्रलाइट का नाम सुना है अंकल, क्या बताऊं, एक हमारे पड़ोस के अंकल थे ना, उनको ये यही प्रॉब्लम थी जो आप बता रहे, और उनको ये मधुनाशिनी के बारे में पता चला है, उन्होंने लिया अंकल, आप बिलीव नहीं करोगे अंकल, उनको फायदा हुआ, विश्वास नहीं करोगे। अब वो बंदा क्या समझेगा, वो मधुनाशिनी के मेरिट को नहीं पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इस प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं निकल पाया हूं, तभी तो मैं तेरे से प्रॉब्लम बोल रहा हूं, अगर बाहर निकल गया तो प्रॉब्लम नहीं बोल रहा था, ठीक है ना। और तब आपने उसको सॉल्यूशन ऑफर कर दिया, तो सॉल्यूशन सीधा हिट करता है, दिल पे हिट करता है, और उसके बाद वो बंदा एक्चुअली प्रोडक्ट ले लेता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन है, इमीडिएटली लेगा, लेगा इमीडिएटली, कोई लेता है लेगा इमीडिएटली, क्यों लेगा, क्यों सोचेगा, उसको सोचने का टाइम दीजिए, ठीक है। दैट वॉज अबाउट द प्रोडक्ट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन, व्हाई वुड पीपल चूज द करियर दैट यू आर ऑफरिंग। आपने 3 घंटे का बीबीएस दिखाया, अब बस जी आप तो आ जाओ जी हमारे करियर में, ठीक है ना। ये इसी तरह से जैसे कि 3 घंटे जुरासिक पार्क देखा और अगले दिन से वो डायनासोर की खोज में निकल गया, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। अगर उसने आयरन मैन देखा तो घर में जाकर उड़ने नहीं ले गया वो। पीपल ट्रीट आवर बीबीएस ऑल्सो लाइक दैट ओनली, 3 घंटा बीबीएस देखे, चमत्कृत होने से कोई ऑक्यूपेशन नहीं बदल देता है, चमत्कारों से ऑक्यूपेशन नहीं बदले आते, वो ऑक्यूपेशन तभी बदलेगा, वो तभी सीरियस होगा एमवे बिजनेस के लिए, जब उसको क्लियर होगा कि भैया मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें है कि। लुक एट दिस, जितना पैसा लोग एमवे में कमाते हैं उससे क्या कम पैसा क्रिकेट में कमाते हैं लोग, बोलिए नहीं कमाते हैं ना, तो सब क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, बहुत मुश्किल भी तो नहीं है। जितना पैसा एमवे में कमाते हैं उतना लोग बॉलीवुड में नहीं कमाते हैं क्या, खूब पैसा कमाते हैं तो सब बॉलीवुड में चले जाएं, जा सकते हैं ना, क्यों नहीं जाते हैं, पता तो सबको है कि अमिताभ बच्चन बहुत अमीर आदमी, क्यों नहीं जाते हैं, बिकॉज पीपल डोंट बिलीव, नोबडी हैज कनेक्टेड देम, वी ऑल नो हाउ रिच एंड फेमस यू नो क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स आर, still many of us don't go for these career options, then why do we assume that people will start working for Amway just because somebody is making good money out there, just because Dr. Vraj Crown ho gaye to koi aur bhi chal jayega crown hone ke liye, aisa kuch nahi hone wala hai, ye fallacy hai hamare mind mein, BBS only is the beginning, it is only a beginning, try to understand, tab tak wo nahi karega kaam seriously jab tak usko clear nahi hoga ki problem ka solution isme hai, people only go for options that they believe can actually solve their problems, dekh lijiye। ये लेडी को विश्वास है कि इसको भीख मांगने में ही काम होगा, और किसी ने इसको बता दिया कि बच्चे को साइड में रखोगे तो और भीख मिलेगी,
तो ये उसी को करने जाती है, इसको इसी में विश्वास है, इस आदमी को इसी में विश्वास है कि गटर को साफ करके ही मैं कर सकता हूं। ये आदमी इतनी ही मेहनत किसी और काम में कर सकता है, बट इसको भरोसा इसी चीज पर है, इसको इसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन यही दिखाई देती है, इन लोगों को इनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन इसी में दिखाई देती है। रास्ते में कई लोग मर भी गए जब लॉकडाउन हुआ, तो पीपल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द थिंग्स दैट दे बिलीव इन, विल गो टू एनी एक्सटेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। इफ दे कांट रिकॉग्नाइज एटलीस्ट वन क्लियरली डिफाइंड मेजरेबल प्रॉब्लम, योर बायर विल नॉट बाय। तो बेसिकली इट्स नॉट शो द प्लान, इट्स नॉट शेयर द प्लान, इट इज सॉल्व द प्रॉब्लम। एसटीपी का रियल डेफिनेशन है सॉल्व द प्रॉब्लम। और इस चीज को जानने के लिए सबसे बढ़िया किताब है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है। उस किताब को जो पढ़ेंगे आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मालूम चलता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर सॉल्व द प्रॉब्लम को टेक्निक यूज करेंगे तो लोग आपके साथ स्टिक अराउंड करेंगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू शेयर हियर, एंड दैट्स इट, दैट्स द होस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आशीष जी। हम लोग एक और वार्म वेलकम, वार्म से हम लोग बहुत अच्छे से इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि हम लोगों को कितना अच्छा आज लास्ट 40 मिनट में इन्होंने इतनी अच्छी चीजें बताई है कि हम लोगों का बिजनेस जो है बहुत बड़ा होने वाला है। सब एग्री करते हैं? Absolutely, Amit, we agree because both of them pour their heart. Amit